हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डैन लॉ। इन टुडे लेक्चर सीरीज वी आर गोइंग टू स्टडी राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस। सो इससे पहले मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करवा रखे हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है ट्रेड यूनियंस का, वो आप देखिए जाकर जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इसके रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस कैसे होता है, उसके रजिस्ट्रेशन उसके बारे में मैंने बताया है, इंट्रोडक्शन बताया, तो सारे आपको लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, सो वो आप जाकर देखिए। सो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस होते हैं उनके क्या राइट्स एंड उनके क्या लाइबिलिटीज़ होते हैं, ओके, यहाँ पे वो डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 28 के बीच में बताया गया है, ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। ओके, सो आते हैं फर्स्ट वन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट्स ऑन बीच जनरल फंड्स में बी स्पेंड। यहाँ पे बात की गई है जनरल फंड जो होता है ट्रेड यूनियन का, वो किस चीज़ में स्पेंड करेंगे वो। 16 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सेपरेट फंड फॉर पॉलिटिकल पर्पस। 17 इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन ट्रेड डिस्प्यूट्स। 18 इज इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल सूट इन सर्टेन केसेस। 19 सेक्शन इज इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट। सेक्शन 20 इज राइट्स टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ ट्रेड यूनियन। सेक्शन 21 इज राइट्स ऑफ माइनर्स टू मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन। सेक्शन 21A इज डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ ऑफिस बियरर्स ऑफ ट्रेड यूनियंस। सेक्शन 22 इज प्रोपोर्शन ऑफ ऑफिसर्स टू बी कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री। सेक्शन 23 राइट है कि अपना नाम चेंज बदल सकता है, चेंज ऑफ नेम। 24 इज एमलगमेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, मीन्स दो तीन ट्रेड यूनियंस है तो एक यूनाइट हो सकते हैं वो। सेक्शन 25 इज नोटिस ऑफ चेंज ऑफ नेम और एमलगमेशन, इसके नोटिस देना चेंज ऑफ नेम का या फिर एमलगमेशन का। 26 इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ नेम एंड ऑफ एमलगमेशन। 27 डिसॉल्यूशन एंड 28 रिटर्न्स। सो ये सारी जितने राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। तो सेक्शन 15 जो बात करता है ऑब्जेक्ट ऑन विच जनरल फंड मे बी स्पेंड, कि जनरल फंड कहाँ कहाँ स्पेंड किया जाएगा। ओके, सो ऑब्जेक्ट ऑन विच जनरल फंड मे बी स्पेंड, लाइक जनरल फंड स्पेंड किया जा सकता है द पेमेंट्स ऑफ सैलरीज अलाउंसेज एंड एक्सपेंसेज ऑफ द ट्रेड यूनियन। अब ट्रेड यूनियन की जो पेमेंट्स ऑफ सैलरीज एडवांसेज होगा, एक्सपेंसेज होगा, ऑफिस बियरर का मतलब जो पदाधिकारी होंगे उनके सैलरी एडवांसेज में उनके जनरल फंड को मतलब खर्च किया जा सकता है। बी बताया गया द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का जो काम होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा या उसके ऑडिट होंगे, जैसे कि जनरल फंड वहाँ पर खर्च किया जा सकता है। सी में बताया गया है पेमेंट ऑफ चार्जेस अराइजिंग आउट ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिफेंस। मान लीजिए ट्रेड यूनियन के अगेंस्ट कोई केस चल रहा है तो उसके प्रोसिक्यूशन में या अराइजिंग आउट ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के लिए कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रहा है तो उसमें कुछ खर्चा होगा, तो उसको लेकर बताया गया है यहाँ पे। डी बात किया गया है कंडक्ट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेड यूनियन और एनी मेंबर, मीन्स ट्रेड डिस्प्यूट अगर कोई है उसमें अगर कुछ प्रोसीडिंग में कुछ खर्च हो रहा है तो वहाँ पे इसके जनरल फंड को यूटिलाइज किया जाएगा। ई बात करता है द कंपनसेशन ऑफ मेंबर्स फॉर लॉस अराइजिंग आउट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट, मीन्स कंपनसेशन ऑफ मेंबर्स, जो कि एक तरीके से जो कंपनसेशन है मेंबर्स का, मान लीजिए कोई लॉस है ट्रेड डिस्प्यूट का, ट्रेड डिस्प्यूट है उसमें कुछ लॉस हो गया है तो मेंबर्स को कंपनसेट करने के लिए यूटिलाइज किया जाएगा जनरल फंड को। सो और आगे देखते हैं आगे क्या है। एफ बात करता है अलाउंसेस टू मेंबर्स और देयर डिपेंडेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ डेथ। अब मान लिया जाए कोई मेंबर है, सदस्य है ट्रेड यूनियन का, उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो ओल्ड एज पे है या फिर सिकनेस है या एक्सीडेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स लाइक उसके पास पैसे नहीं है, वो बीमार है, बुढ़ा हो गया है, सिकनेस है, तो ऐसे चीज़ों में मतलब अलाउंसेस दिया जाएगा उन्हें जो ट्रेड यूनियंस के मेंबर होंगे। ओके, तो ये सब में जनरल फंड उनके यूटिलाइज किए जाएंगे। जी बात करता है द इशू ऑफ और अंडरटेकिंग द लायबिलिटी अंडर पॉलिसीज लाइक इंश्योरिंग द मेंबर्स अगेंस्ट सिकनेस एक्सीडेंट अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेशनल सोशल और रिलीजियस बेनिफिट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है जनरल फंड को, जैसे यहाँ पे एच में बोला गया है। आई में बोला गया प्रोवाइडिंग फॉर पब्लिकेशन ऑफ पीरियोडिकल्स फॉर यूज ऑफ विच इंटेंडेड फॉर द मेंबर्स बेनिफिट के लिए। सो ये सारे हैं लाइक जे में बोला गया एनी अदर्स ऑब्जेक्ट लाइक
कुछ भी सब्जेक्ट जो यहाँ पे जो भी मेंशन है बेसिकली, ओके, तो सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन कंटेन इन द नोटिफिकेशन एनी अदर ऑब्जेक्ट नोटिफाइड द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट. सो सेक्शन 15 फर्स्ट राइट यहाँ पे बताता है कि जनरल फंड जो होता है ट्रेड यूनियन का वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया. अब आगे आते हैं सेक्शन 15 में, ये एक केस है मारियो रपोसो वर्सेज एचएम भंडारकर. मारियो रपोसो वर्सेज एचएम भंडारकर एंड अदर्स, द कोर्ट हेल्ड दैट द मनी इन्वेस्टेड फ्रॉम द जनरल फंड्स इनटू शेयर्स ऑफ द यूटीआई बाय द ऑफिस बियरर ऑफ अ ट्रेड यूनियंस टू बी इनवैलिड कंसिडरिंग इट टू बी अ स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट. अब यहाँ पे मारियो रपोसो वर्सेज एचएम भंडारकर में बोला कि जो एसोसिएशन है नागपुर का, ये केस है वीसीओ एसोसिएशन का, तो यहाँ पे बोला गया कि लाइक यूटीआई इंडिया शेयर परचेज किया था बट मनी इज टेकन फ्रॉम द ट्रेड यूनियन फंड. यूटीआई इंडिया शेयर परचेज किया था, जो मनी जो यहाँ पे लिया गया था डैट मनी इज टेकन फ्रॉम द ट्रेड यूनियन फंड, ट्रेड यूनियन फंड से लिया गया एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेड यूनियन इज नॉट टू इन्वॉल्व इन देयर स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज. ओके, समझ गए. सो सेक्शन 15 याद करना कि जनरल जो फंड है उसका यूटिलाइज कहाँ किया जाएगा वो यहाँ पे बताया गया फर्स्ट राइट. सेकेंड बताया गया सेक्शन 16 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेपरेट फंड फॉर पॉलिटिकल पर्पस, पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए सेपरेट फंड बताया गया है. तो यहाँ पे 16 क्लॉज 2 में बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि लाइक कहाँ कहाँ इसका फंड यूटिलाइज किया जा सकता है, कि जो पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इसका लाइक पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इन अकर्ड इधर डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सो ये पॉलिटिकल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. तो इसको आप जानना कि लाइक कोई पेमेंट है, एक्सपेंसेस है इन अकर्ड डायरेक्टली है इनडायरेक्टली है बाय कैंडिडेट, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट है इलेक्शन के लिए एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी, तो वहाँ पर इसका खर्चा किया जा सकता है. एंड बी में बताया गया पॉलिटिकल पर्पस का जो फंड कहाँ कहाँ लगाया जाएगा, लाइक होल्डिंग ऑफ मीटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन लिटरेचर डॉक्यूमेंट्स, कोई ट्रेड यूनियन से रिगार्डिंग कोई लिटरेचर है, कोई डॉक्यूमेंट्स है इन द सपोर्ट ऑफ सच कैंडिडेट, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट है, तो उसके लिए इस फंड को मतलब यूटिलाइज किया जाएगा. कौन सा फंड को, यहाँ पे कौन सा फंड का बात हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सेपरेट फंड फॉर पोलिटिकल पर्पसेज, पोलिटिकल पर्पज के लिए सेपरेट फंड यहाँ पे यूटिलाइज किया जा सकता है, ये राइट भी है ट्रेड यूनियन के पास. अब यहाँ पे सी में बात करते हैं. सी में क्या बोला गया है, मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेटिव बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और फॉर एनी लोकल अथॉरिटी. मींस यहाँ पे मेंटेनेंस की बात की गई है कि मेंटेनेंस के लिए मान लीजिए कोई लेजिस्लेटिव बॉडी है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूटेड है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो आता है, मतलब लोकल अथॉरिटी है, तो इसकी मेंटेनेंस की जो मतलब एक तरीके से जो यूटिलाइज किया जाएगा जो इस फंड को, मतलब पॉलिटिकल फंड से ही इसको निकाला जाएगा. अब डी में बात किया गया है लाइक रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर और सिलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट फॉर एनी लेजिस्लेटिव बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर लोकल अथॉरिटी. अब लाइक होल्डिंग पॉलिटिकल मीटिंग्स ऑफ एनी काइंड, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल मीटिंग होल्ड कर रहे हैं उसमें जो खर्चा होगा, पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स बनवाना है, कुछ डीड बनवाना है, तो ये सारे कैंपियन होता है जो पॉलिटिकल, उस सारे चीज़ों में जो खर्च होगा वो पॉलिटिकल फंड से यूटिलाइज किया जाएगा. अब यहाँ पे ये भी बात किया गया है लाइक नो मेंबर शैल बी कंपेल्ड टू कंट्रीब्यूट टू द फंड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सब सेक्शन वन में क्या कहा गया, अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन मे कॉन्स्टिट्यूट अ सेपरेट फंड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेटली. अब जो मतलब पैसे की जो यहाँ पे बात की गई है, सब्सक्रिप्शन की बात की गई है, तो किसी मेंबर को, कोई भी सदस्य जो ट्रेड यूनियन के होंगे उसको कंपेल नहीं किया जाएगा, जो सब सेक्शन वन में बताया गया है कि मतलब वो कंट्रीब्यूट करेंगे पैसे मिलकर सारे इकट्ठे करेंगे, तो ये किसी को कंपेल नहीं किया जाएगा. एंड द मेंबर हु डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द सेड फंड शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनी बेनिफिट ऑफ द ट्रेड यूनियन और प्लेस्ड इन एनी रिस्पेक्ट इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अंडर एनी डिसेबिलिटी और एट एनी एडवांटेज एज कम्पेयर विद अदर मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्सेप्ट इन रिलेशन टू कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ द सेड फंड बाय रीजन ऑफ हिज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द सेड फंड एंड कंट्रीब्यूशन टू द सेड फंड शैल नॉट बी मेड अ कंडीशन फॉर एडमिशन टू द ट्रेड यूनियन. अब क्लियर हो गया कि यहाँ पे पोलिटिकल फंड के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है. अब सेक्शन 17 आते हैं.
अब सेक्शन 17 बात करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन ट्रेड डिस्प्यूट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन ट्रेड डिस्प्यूट। सो सेक्शन 17 बेसिकली प्रोवाइड्स कन्फर्स द इम्यूनिटी फ्रॉम लाइबिलिटी इन केस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर सेक्शन 120B, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, ऑफ द IPC कमिटेड बाय एन ऑफिस बियरर और मेंबर। मान लीजिए कोई कॉन्स्पिरेसी किया जाता है, कोई पदाधिकारी है या कोई ऑफिस बियरर है या मेंबर है उसके द्वारा, देन इम्यूनिटी इज पार्शियल अवेलेबल यहाँ पे है, लाइक टू ऑफिस बियरर एंड मेंबर्स ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस और फॉर एग्रीमेंट बिटवीन मेंबर्स होता है या सच एग्रीमेंट डैट मे फर्दर एनी सच ट्रेड, कुछ ट्रेड को लेकर एग्रीमेंट होता है जो कि सेक्शन 15 में स्पेसिफाइड है, याद कीजिए। सो सच एग्रीमेंट आर नॉट कमिट एन ऑफेंस, उसमें नहीं कमिट किया गया, मतलब कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यहाँ पे, मतलब एक तरीके से इनके पास राइट है कि वो एक बचाता है एक तरीके से, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से इनको एग्जम्पशन मिलता है, जो ट्रेड यूनियंस जो होते हैं मेंबर्स होते हैं इनमें, उनको एग्जम्पशन मिलता है। तो एक केस है इन जय इंजीनियरिंग, द कोर्ट वाइल इंटरप्रेटिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 17 ऑब्जर्व दैट नो प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू द मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन के मेंबर के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं होता ट्रेड यूनियन, फॉर एनी एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस। अब इस जय इंजीनियरिंग वाले केस में क्या बताया गया कि यहाँ पे ये बताया गया कि एग्जम्पशन तो होता है, लेकिन एग्जम्पशन इसलिए नहीं होता, यहाँ पे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा अगर वो ट्रेड यूनियन उस एग्रीमेंट, मतलब ऑफेंस के लिए कुछ एग्रीमेंट कर रहा है। मींस व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स लार्ज और स्मॉल कंबाइंड टू डू एन एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ वन कॉमन एम और ऑब्जेक्ट, केवल एक ही कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए कर रहा है, इट मस्ट बी हेल्ड दैट देयर इज एन एग्रीमेंट अमंग द वर्कर्स टू डू द एक्ट एंड इफ द एक्ट कमिटेड इज एन ऑफेंस। अब कुछ ऐसा एक्ट कर रहा है जो कि ऑफेंस है, जो कि ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल, टॉर्टियस एक्ट कुछ ऐसा कर रहा है जो कि सिविल रॉन्ग है बिल्कुल, तो उसमें एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, समझ गए। मतलब कोई ऐसा टॉर्टियस एक्ट कर रहा है जो अराइज होगा, मतलब जो कि गलत है बिल्कुल, तो इसमें यहाँ पे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो याद रखना सेक्शन 17 में ये बात किया गया। एक और केस है बेस्ट इंडिया स्टील कंपनी वर्सेज अजीज, केरला हाईकोर्ट जजमेंट है केरला हाईकोर्ट का। ट्रेड यूनियंस लीडर्स स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग एंड सेड वन वर्कमैन हु इज वर्किंग इन अ पार्टिकुलर प्लेस, ही सेड चेंज द वर्किंग प्लेस ऑफ दैट वर्कमैन, कि उस वर्कमैन का वर्किंग प्लेस चेंज करो, इसमें यह कहा गया। तो कोर्ट सेड दैट देयर इज नो इम्यूनिटी, इट इज अबाउट द इंडिविजुअल मैनेजमेंट मैटर एंड ट्रेड यूनियन लीडर डू नॉट हैव राइट टू डिक्टेट हाउ टू वर्क इज डन बाई द वर्कमैन एंड द केस इज नॉट लाइक केस कैन नॉट बी मेड इफ एनी बडी डू एनी टॉर्टियस एक्ट फॉर द फर्दरेंस ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट। ओके, सो इम्यूनिटी अंडर सेक्शन 18 ट्रेड यूनियन एक्ट में प्रोवाइड किया गया है फर्दर ऑन, जो कि सेक्शन 18 में बताऊंगा, लेकिन एग्जम्पशन आपको यहाँ पे जो एग्जम्पशन की बात की गई है सेक्शन 17 में, वो एग्जम्पशन फ्रॉम सिविल सूट की बात की गई है। ओके, तो यहाँ पे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा इस केस में, मतलब कोई ऐसा एक्ट नहीं कर सकता जो कि, मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट के थ्रू कर रहा है जो कि ऑफेंस के कैटेगरी में आता है, वहाँ पे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। सेक्शन 18 इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल सूट इन सर्टेन केसेस। अब इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल सूट की बात की गई है यहाँ पे कि लाइक नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल बी मेंटेनेबल इन एनी सिविल कोर्ट अगेंस्ट एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, लाइक कोई ऑफिस बेरर है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ एक ब्रीफ में मैं समझा दे रहा हूँ, लाइक यहाँ पे कोई किसी तरह का कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये बात किया गया है कि जो इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जाएगा सिविल सूट के लिए, मान लीजिए कि कोई सिविल सूट है तो एन एग्जम्पशन इज गारंटेड अंडर सेक्शन 18। सेक्शन 18 में एग्जम्पशन गारंटेड है, जो ट्रेड यूनियन एक्ट का 1926 का, उसमें एग्जम्पशन गारंट कर दिया है, लाइक अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इज नॉट लाइबल इन एनी सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग इन सिविल सिविल कोर्ट, ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी टॉर्टियस एक्ट डन इन कंटेम्पलेशन ऑफ फर्दरेंस ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट बाई एजेंट ऑफ द ट्रेड यूनियन, इफ इट इज प्रूव देन सच एक्ट विदाउट दैट नॉलेज ऑफ कॉन्ट्ररी टू द एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शन गिवन एग्जीक्यूटिव और ट्रेड यूनियन, हाउएवर द ट्रेड यूनियंस इफ ऑफिस बेयरर है या कोई मेंबर है लाइबल ठहराया जाएगा अगर वो वायलेंस करता है, कोई वैंडलिज्म करता है, पार्टिकुलरली किसी चीज़ को लेकर अगर वो एक, मतलब यूनाइट होता है किसी चीज़ को लेकर जो कि बिल्कुल गलत है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो इसके लिए लाइबल ठहराया जाएगा। मीन्स कोई एक्शन इन्वॉल्व करता है डिलीवरेट किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाता है डिलीवरेटली,
ट्रेसपास करता है, तो यहाँ पे क्या है कि ऐसे एक्ट के लिए उनको लाइबल ठहराया जाएगा, लेकिन अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इज़ नॉट लाइबल इन एनी सूट और अदर देन प्रोसीडिंग ऑफ एनी, देखिए कोई भी सिविल सूट होगा उसके लिए लाइबल ठहराया नहीं जाएगा, लेकिन कोई ऐसा सिविल सूट है लाइक टॉर्टियस एक्ट कर रहा है, कोई वायलेंस क्रिएट कर रहा है, कोई डेलिबरेट ट्रेसपास कर रहा है, कोई वैंडलिज्म क्रिएट कर रहा है, मतलब एक तरीके से किसी के प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहा है इंटेंशनली, तो यहाँ पे उनके केस चलेंगे, ना कि कोई ऐसा सिविल सूट के लिए केस नहीं चलेंगे, कोई नॉर्मल एक सिविल सूट है तो उसके लिए। ओके, यहाँ पे इम्यूनिटी दिया गया सिविल सूट के लिए, तो ये भी इनके राइट्स के अंदर आते हैं। ओके, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस असीस का केस था, दैट कलकत्ता हाई कोर्ट हेल्ड दैट इन ऑर्डर टू सिक्योर इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 18, इंड्यूसमेंट और प्रोक्योरमेंट इन ब्रीच ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन फर्दरेंस ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट मस्ट बी बाई लॉफुल मीन्स एंड नॉट बाई मीन्स विच वुड बी इलीगल और रॉन्ग अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ। ओके, मतलब कहा गया कि कुछ भी हो इम्यूनिटी तभी मिलेगा कि जब वो ब्रीच ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो हुआ है वो फर्दरेंस ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट हुआ, मस्ट बी लॉफुल मीन्स का होना चाहिए, लॉफुल मीन्स, ऐसा ना हो कि अनलॉफुल होगा, ठीक है, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, एंड नॉट बाई मीन्स वुड बी इलीगल रॉन्ग है, जो कि टॉर्टियस रॉन्ग है, लाइक टॉर्टियस एक्ट है कुछ, समझ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस असीस याद रखना। सो 19 इज इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट, यहाँ पे बस एक चीज़ याद रखना कि एग्रीमेंट बिटवीन मेंबर्स ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। ओके, एंड दिस राइट इज अवेलेबल ओनली टू द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। ओके, इसके बारे में आप डिटेल में एक बार पढ़ लेना, लेकिन यहाँ पे एग्रीमेंट बिटवीन द मेंबर्स ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के बारे में बात किया गया है, और ये राइट जो अवेलेबल होता है कि वो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस के पास होते हैं। सेक्शन 20 बात करता है राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ ट्रेड यूनियन, कि ट्रेड यूनियन की जो बुक है उसको इंस्पेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन बुक्स। सो अंडर सेक्शन 20 ऑफ दिस एक्ट द अकाउंट बुक्स ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एंड द लिस्ट ऑफ मेंबर्स मस्ट बी मेड अवेलेबल टू इंस्पेक्शन बाई एनी ऑफिस बियरर और मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन एट सच टाइम्स एज मे बी प्रोवाइड फॉर द राइट्स ऑफ सच रूल्स ऑफ द ट्रेड यूनियन। ओके, सो यहाँ पे बस एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे राइट ऑफ जो बुक इंस्पेक्शन की जो राइट होती है, जो इनके पदाधिकारी होते हैं, जो मेंबर होते हैं, ऑफिस बेरर होते हैं, उनके पास ये राइट होता है कि वो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की जो लिस्ट ऑफ मेंबर्स हैं वो उनको खोले और उसको देखें। ओके, इनके पास ये राइट होता है। सेक्शन 20 में ये बात किया गया है। सेक्शन 21 बात किया है राइट ऑफ माइनर्स टू बी मेंबर्स ऑफ अ ट्रेड यूनियंस। अब राइट ऑफ माइनर्स होता है कि मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियंस, मीन्स सेक्शन 21 अलाउज माइनर्स अबव द एज ऑफ 15 टू बी अ मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एंड सब्जेक्ट टू एनी रूल्स ऑफ द ट्रेड यूनियन। ओके, अब कोई माइनर है, उसका एज 15 से अबव है तो वो बन सकता, बट यहाँ पे ये बोल लिया हाउएवर सच माइनर्स कैन नॉट होल्ड ऑफिस, वो माइनर ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता, बट ट्रेड यूनियंस बन सकता है, उसमें मेंबर हो सकता है, एंड ही मे इन्जॉय ऑल द राइट्स ऑफ द मेंबर्स एंड एग्जीक्यूट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स एंड गिव ऑल द acquaintances necessary to be executed or given under these rules, हर चीज़ कर सकता है लेकिन वो ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। ओके, सेक्शन 21 बात करता है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिस बेयरर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। अब जो ऑफिस बेयरर होंगे उनकी डिसक्वालिफिकेशन के बारे में बात किया गया, ये अलग राइट्स हैं। सो 21A डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिस बेयरर ऑफ अ ट्रेड यूनियन, कि जो ऑफिस बियरर्स होंगे, जो पदाधिकारी होते हैं ट्रेड यूनियन को, उनको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। किस केस में पढ़ते हैं, फर्स्ट अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग चोजन एज एंड फॉर बीइंग मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव और एनी अदर ऑफिस बियरर ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इफ ही हैज़ नॉट अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर, अगर वो 18 साल के एज को नहीं अटेंड किया है। या सेकेंड में बात करता है ही हैज़ बीन कन्विक्टेड बाई कोर्ट इन इंडिया ऑफ एनी ऑफेंस, में अगर वो 18 साल का एज नहीं पार किया है अभी तक, या फिर कोई ऐसा एक्ट किया है जो कि एक तरीके से ऑफेंस है हमारे इंडियन लॉ में। सो और एनी मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव और अदर ऑफिस बेयरर अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन हु बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट एक्ट 1964 हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड और एनी सेंटेंस टू इम्प्रिजमेंट। सो किसी के ऊपर कोई सेंटेंस है, चार्जेस लगे हुए, कोई ऑफेंस है किया है वो, या फिर 18 साल का जो एज है वो अटेंड नहीं किया, 18 ईयर्स अटेंड नहीं किया, तो
ऐसे लोगों को डिसक्वालीफाई किया जा सकता है, पदाधिकारी जो है, ऑफिस बेरर है, मेंबर है, उनको हटा दिया जा सकता है। सेक्शन 22 प्रपोर्शन ऑफ ऑफिसर्स टू बी कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री, कि जो इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, लाइक नो लेस दैन 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द ऑफिस बेरर, मतलब जितने ऑफिस बेयर हैं उनमें से 1/2 से कम नहीं। एवरी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन सेल बी पर्सन एक्चुअली इंगेज्ड और एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री विद विच द ट्रेड यूनियंस कनेक्टेड। हर ऑफिस बेयर जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं किसी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन से, पर्सन एक्चुअली इंगेज्ड है, उनको एम्प्लॉयड होना चाहिए किसी इंडस्ट्री से जो कि ट्रेड यूनियन से कनेक्टेड है। एंड प्रोवाइडेड दैट appropriate government may by special or general order declare that the provisions of this section shall not apply to any trade union or class of trade unions specified in order. Okay, so the proportion of officers की बात करता है जो connected है industry से। सेक्शन 3 जो राइट है कि एक तरीके से ट्रेड यूनियन का राइट है कि वो अपना नाम चेंज कर सकता है। मीन्स सेक्शन 23 के अंदर ये बताया गया है लाइक कि एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में चेंज इट्स नेम विद द कंसेंट ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। अब 2/3 मेंबर जो जितने भी मेंबर हैं उनके 2/3 जो मेंबर हैं उनकी कंसेंट लिए बिना वो नेम चेंज नहीं कर सकता। एंड नोटिस ऑफ चेंज नेम देना पड़ेगा जो कि सेक्शन 25 इस एक्ट में, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 जब पढ़ोगे, द चेंज ऑफ द नेम साइंड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द 7 मेंबर। अब जो नोटिस ऑफ नेम वगैरह जो बात किया गया है कि जब नेम चेंज करते हैं, सेक्शन 25 में बताया गया, सेक्शन 23 और 25 साथ में आपको पढ़ना है, तो जब भी नेम चेंज करोगे तो नेम चेंज करने के वक्त रिटर्न नोटिस देना है जो नाम बदलवाना चाहते हो, जो कि साइन बाय सेक्रेटरी होंगे और साथ जो मेंबर जब ट्रेड यूनियन बना था जो उनके जो सब्सक्राइबर थे उसमें 7 मेंबर जो साइन किए थे उनकी 7 मेंबर का साइन चाहिए, और उनको वो साइन करने के बाद जब 7 मेंबर साइन करेंगे और सेक्रेटरी साइन करेंगे तो उसके बाद वो जाएगा रजिस्ट्रार के पास जाएगा। तो रजिस्ट्रार के पास जाएगा जो ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रार होगा। सो उसके बाद न्यू नेम उसके लिए जो कि यूनिक नेम होना चाहिए, नेम मैच नहीं करना चाहिए किसी और ट्रेड यूनियन से, तो ऐसा देखा जाता है। अगर मैच करेगा तो रजिस्ट्रार के पास ये राइट भी होता है कि आपका जो मतलब एक तरीके से एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दे। सो इफ़ रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड विथ ऑल रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइडेड बाई द मेम्बर्स ऑफ ट्रेड यूनियंस देन रजिस्ट्रार विल चेंज द नेम। ओके, इफ रजिस्ट्रार इज नॉट सेटिस्फाइड देन they will not change the name of, okay, so जो भी है वो change नहीं कर पाएगा। so उसके लिए है कि you have to select the unique one name, okay, so I think this is clear। अब section 24 बात करता है, 23, 25 एक साथ पढ़ना है आपको। 24 amalgamation of trade unions का बात करता है। amalgamation मतलब क्या होता है, so section 24 बात करता है। सो अंडर सेक्शन 24 टू और मोर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस हैव द राइट टू बी amalgamated टुगेदर एज वन ट्रेड यूनियन विथ और विदाउट डिसॉल्यूशन और डिवीजन ऑफ द फंड्स ऑफ सच ट्रेड यूनियंस और ईदर और एनी ऑफ देम। However, the votes of at least 1/2 of the members of the each of such trade union। अब यहाँ पर मान लीजिए कि ट्रेड यूनियन 1 है, ट्रेड यूनियन 2 है, ट्रेड यूनियन 3 है, तो ये सारे ट्रेड यूनियन क्या चाहते हैं कि हम साथ में आ जाए, तो ये amalgamation प्रोसेस है। मान लीजिए तीनों ट्रेड यूनियन का नाम हो गया ABC ट्रेड यूनियन। सो अब ये तीनों का साथ आने से कहा गया कि एटलीस्ट 1/2 मेंबर जितने ट्रेड यूनियन हैं सारे से, एटलीस्ट ईच और एवरी सच ट्रेड यूनियन से 1/2 का वोटिंग तो चाहिए ही चाहिए अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो किसी और ट्रेड यूनियन से, और एटलीस्ट 60% वोट होना चाहिए एंड शुड बी रिकॉर्डेड इन फेवर ऑफ प्रपोजल होना चाहिए। जैसे कि तो बस इतना याद रखना है कि हर मान लीजिए 3 T1 T2 T3 तीनों ट्रेड यूनियन मिलकर एक ट्रेड यूनियन बनना चाहता है तो हर ट्रेड यूनियन से 1/2 या एटलीस्ट 60% वोट तो चाहिए ही चाहिए मेम्बर्स का। ओके, तो ये नोटिस ऑफ amalgamation के बारे में आपको पता होना चाहिए कि
सेक्शन 26 है, सेक्शन 26 है कि 20 24 एंड 26 एक साथ आपको पढ़ना है कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ द नेम एंड एमिग्रेशन के बारे में बात किया है। तो यहाँ पे बात ये करता है कि मान लीजिए कि दो या दो से ज़्यादा ट्रेड यूनियन मिलकर एक ट्रेड यूनियन बनना चाहता है, उसको बनाना है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 ऑफ दिस एक्ट, रिटन नोटिस ऑफ एमिग्रेशन साइन बाय सिक्रेटरी होना चाहिए। जैसे कि नाम चेंज करने का जो प्रक्रिया है ना, वही प्रक्रिया यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। जो सेक्रेटरी होंगे वो साइन करेंगे, 7 मेंबर जो होंगे उस ट्रेड यूनियन का वो साइन करेगा। मान लीजिए जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया ना कि ये जो ट्रेड यूनियन है, इस ट्रेड यूनियन में हर ट्रेड यूनियन से जो कि यहाँ पे जो ट्रेड यूनियन बनाना है, जो ट्रेड यूनियन बनने वाला है, ये दो तीन ट्रेड यूनियन मिलकर, तो यहाँ पे क्या है कि सारे ट्रेड यूनियन में ये कहा गया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 ऑफ दिस एक्ट, लाइक अ रिटन नोटिस ऑफ एमलगमेशन देना पड़ेगा और सेक्रेटरी जो होंगे उनके साइन और 7 मेंबर होंगे उनके साइन होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस प्रक्रिया आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये सारे तीनों ट्रेड यूनियन मिलकर एक बनने वाले नए ट्रेड यूनियन, तो इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उसी तरीके से होगा जो कि सेक्शन 8 में बताया गया है, और सारी जो प्रोसीजर होगा फॉलो करना पड़ेगा सारा प्रोसीजर। ओके, अब आगे है जैसे कि बात करता है सेक्शन 26, पता चली गया। सेक्शन 27 बात करता है डिसोल्यूशन का। डिसोल्यूशन में जैसे कि ट्रेड यूनियन को डिसॉल्व भी किया जा सकता है। सो अंडर सेक्शन 27 अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन मे बी डिसॉल्व लाइक विद इन 14 डेज ऑफ डिसोल्यूशन। आपको एक टाइम पीरियड है 14 दिन का, उस टाइम पीरियड में आपको क्या करना है कि एक तरीके से नोटिस दे देना है कि हम डिसॉल्व करने वाले ये ट्रेड यूनियन का ये कारण थी। सो अब डिसोल्यूशन हो जाएगा एंड डिसोल्यूशन शैल हैव इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन। एंड सेक्शन 27 क्लॉज 2 बात करता है गिव्स द पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड अमंगस द मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड। ओके, तो ये याद रखना है कि डिसोल्यूशन के लिए 14 डेज टाइम पीरियड याद रखना है, यह टाइम पीरियड बस और कुछ नहीं है इसमें। 28 रिटर्न्स के बारे में बात करता है। सो एक क्लियर हो चुका है लगता है, यहाँ पे जो राइट्स है जनरल जो फंड है उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए उसका राइट बताया गया है, पॉलिटिकल फंड का राइट बताया गया है। एक बार रिकैप और कर लेते हैं, इम्यूनिटी है क्रिमिनल प्रोसीडिंग को लेकर, पीसफुल स्ट्राइक कर सकते हैं, अपना इन्फोर्स एग्रीमेंट को इन्फोर्स कर सकते हैं एक तरीके से, अपने बुक को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, जो ऑफिस बेयरर होंगे वो अपने बुक को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उनके पास राइट्स है, माइनर मेंबरशिप हो सकता है, और चेंज नेम बदलने का जो प्रक्रिया है वो भी इनके पास है कि वो भी राइट है इनके पास। उनके पास ये भी राइट है कि 3-4 ट्रेड यूनियन मिलकर एक ट्रेड यूनियन बन सकता है, उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताया गया था, राइट टू एमलगमेट। उनके पास ट्रेड यूनियन को डिसॉल्व करने का राइट है, उनके पास ट्रेड यूनियन को नेगोशिएट करके उसको एक अलग तरीके से जो भी करना चाहते हैं उसको वो राइट उनके पास दिया गया है, उनके पास राइट टू रिप्रेजेंट है वो भी राइट है। तो हर राइट यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे लगता है ये क्लियर हो चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस दीपक आनंदन साइनिंग ऑफ।